आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा में रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू हो गई है, जबकि गेहूं, चने व जौ की खरीद 1 अप्रैल से होगी। किसान निर्धारित मंडी में अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर इसे बेच सकते हैं। हरियाणा सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार गेहूं खरीद की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक रहेगी, जबकि चने और जौ की खरीद भी 1 अप्रैल से चालू होगी। केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों को खरीदने के मापदंड रबी खरीद सीजन वर्ष 2021-22 वाले ही रखे गए हैं। खरीद के लिए आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2022-23 के दौरान प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 398 और चने के लिए 11, वहीं जौ के लिए 25 तथा सरसों के लिए 93 मंडियां एवं केंद्र खोले गए हैं। हरियाणा प्रमुख गेहूं और सरसों उत्पादक है। यहाँ कुल 14 फसलों की MSP पर खरीद की जाती है। भारत सरकार द्वारा रबी खरीद सीजन 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, तो चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका 5230 रुपये प्रति क्विंटल है, जौ का 1635 रुपये प्रति क्विंटल है, तो वहीं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो ये थी बात कि हरियाणा में रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए सरसों की खरीद 21 मार्च से शुरू हो गई है। किसान निर्धारित मंडियों में अपनी उपज न्यूनतम समर्थन यानी कि MSP पर इसे बेच सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।